नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अयोध्या विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की दलीलें पूरी हो गई। पुनरुद्धार समिति के वकील पीएन मिश्रा ने कहा कि जमीन कभी मुसलमानों के कब्जे में नहीं रही, वह हमारे कब्जे में थी। शासक होने की वजह से मुसलमान जबरन वहां नमाज अदा करते थे। आज हिंदू महासभा और एशिया वक्फ बोर्ड की ओर से भी दलीलें रखी गई। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई के 16वें दिन राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति और हिंदू महासभा के वकीलों ने अपनी दलीलों में हदीस और आईने अकबरी का हवाला दिया। पुनरुद्धार समिति के वकील पीएन मिश्रा ने कहा कि हदीस साहिह अल बुखारी में कहा गया है कि एक ही जगह पर हिंदू और मुस्लिम दोनों का किबला का होना प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि घंटी बजाकर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती क्योंकि ये शैतान का औजार है। उन्होंने कहा कि इब्ने बतूता ने अपनी भारत यात्रा पर कहा था कि वो ये देखकर हैरान रह गया है कि सभी मस्जिदों में घंटी बजाई जा रही थी, घंटी बजाकर पूजा की जा रही थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि मस्जिद कैसी होनी चाहिए, मस्जिद में नमाज पढ़ने का क्या तरीका है, इसके बारे में आपने बताया, आप अपनी जुर्रे के अहम बिंदुओं को हमको बताइए। इस पर पीएन मिश्रा ने कहा कि वाकिफ जमीन का मालिक होना चाहिए, वाकिफ ने ही जमीन को दान दिया हो। मस्जिद में कम से कम दो समय नमाज पढ़ी जाए, वहाँ पर वजू के इंतजाम होने चाहिए। मस्जिद में किसी भी जानवर जीवित प्राणी की तस्वीर या पेंटिंग ना हो। मस्जिद में घंटी नहीं होनी चाहिए। एक प्लॉट में मस्जिद और मंदिर नहीं होने चाहिए। मस्जिद में निवास नहीं होना चाहिए। मस्जिद में रसोई नहीं होनी चाहिए जबकि वहाँ चूल्हा मिला था। मस्जिद किसी दूसरे की जमीन पर नहीं बनाई जा सकती। इस पर जस्टिस एस ए बोबड़े ने पूछा कि क्या विवादित स्थल से कोई घंटी मिली थी, तो वकील मिश्रा ने कहा कि वहां से घंटी मिलने के सबूत हैं और मौखिक सबूत भी हैं। उन्होंने कहा कि जमीन कभी मुसलमानों के कब्जे में नहीं रही, वो हमारे कब्जे में थी। मुसलमान शासक होने की वजह से जबरन वहां नमाज अदा करते थे। पीएन मिश्रा की दलीलें पूरी होने के बाद हिंदू महासभा की ओर से हरिशंकर जैन ने कहा कि अगर हम ये साबित कर दें कि विवादित जमीन पर एक हिंदू मंदिर था तो क्या संविधान के अंतर्गत हिंदुओं को उनका अधिकार मिल जाएगा। 1855 से पहले ना तो कोई ओरल या डॉक्यूमेंट्री सबूत था कि विवादित ढांचा एक मस्जिद थी। अंग्रेजों ने मुसलमानों से विवादित ढांचे में नमाज अदा करने को कहा था। संविधान बनने के बाद 1949 में हिंदुओं को विवादित जमीन पर पूजा करने का अधिकार वापस मिला था। उन्होंने कहा कि आईने अकबरी में लिखा था कि हिंदू वहां पर पूजा और परिक्रमा करते थे और मस्जिद पर मुसलमानों का कब्जा नहीं था। उन्होंने कहा कि मामले का फैसला हिंदू कानून के हिसाब से होना चाहिए क्योंकि मस्जिद बनने से पहले वहां पर मंदिर था और मंदिर हमेशा ही मंदिर रहता है। शिया वक्फ बोर्ड के वकील ने अपनी दलील में कहा कि फरवरी 1944 की अधिसूचना के आधार पर सुन्नी इस जमीन पर अपने अधिकार का दावा कर रहे हैं जबकि इस जगह पर उनका कब्जा नहीं था और वो सिर्फ नमाज पढ़ने जाते थे। मुतवल्ली का कब्जा था लेकिन उसने कभी एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं किया। शिया वक्फ बोर्ड भी एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर रहा है। हमने हिंदू पक्ष का कभी विरोध नहीं किया है, सुन्नियों के दावे का कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि हर मस्जिद वक्फ संपत्ति है लेकिन हर वक्फ संपत्ति मस्जिद हो ये जरूरी नहीं। मामले की सुनवाई अब सोमवार को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई और राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की दलीलें पूरी हो गई है। पुनरुद्धार समिति के वकील पीएन मिश्रा ने कहा है कि जमीन कभी मुसलमानों के कब्जे में नहीं रही है, वह हमारे कब्जे में थी। शासक होने की वजह से मुसलमान जबरन वहां पर नमाज अदा करते थे। आज जो हिंदू महासभा और शिया वक्फ बोर्ड की ओर से भी दलीलें रखी गई है। तो अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई के 16वें दिन राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति और हिंदू महासभा के वकीलों ने अपनी दलीलों में हदीस और आईने अकबरी का हवाला दिया। पुनरुद्धार समिति के वकील पी एन मिश्रा ने कहा कि हदीस सही अल बुखारी ने कहा है कि एक ही जगह पर हिंदू और मुसलमान दोनों का किबला होना प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि घंटी बजाकर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती क्योंकि ये शैतान का औजार है। उन्होंने कहा कि इब्ने बतूता ने अपनी भारत यात्रा पर कहा था कि वे ये देखकर हैरान रह गए थे कि सभी मस्जिदों में घंटी बजाई जा रही थी,
घंटी बजाकर मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि मस्जिद कैसी होनी चाहिए, मस्जिद में नमाज पढ़ने का क्या तरीका है, इसके बारे में अपने आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि कई तथ्य सामने रखे। इस पर पीएन मिश्रा ने कहा कि वाकिफ जमीन का मालिक होना चाहिए, वाकिफ में जमीन को दान दिया हो, मस्जिद में कम से कम दो समय नमाज पढ़ी जाए, वहां पर वजू के पुख्ता इंतजाम हो, मस्जिद में किसी भी जानवर जीवित प्राणी की तस्वीर या पेंटिंग ना हो, मस्जिद में घंटी नहीं होनी चाहिए, एक प्लॉट में मस्जिद और मंदिर नहीं होने चाहिए, मस्जिद में निवास नहीं होना चाहिए, मस्जिद में रसोई भी नहीं होनी चाहिए जबकि वहां चूल्हा मिला था। आपको बता दें कि मस्जिद किसी दूसरे की जमीन पर नहीं बनाई जा सकती। इस पर जस्टिस एस ए बोबड़े ने पूछा कि क्या विवादित स्थल पर कोई घंटी मिली थी, तो वकील मिश्रा ने कहा कि वहां से घंटी मिलने के सबूत है और मौखिक सबूत भी है। उन्होंने कहा कि जमीन कभी मुसलमानों के कब्जे में नहीं रही, वे हमारे कब्जे में थी, मुसलमान शासक होने की वजह से जबरन वहां पर नमाज अदा किया करते थे। पीएन मिश्रा की दलील पर पूरी होने पर हिंदू महासभा की ओर से हरिशंकर जैन ने कहा कि अगर हम ये साबित कर दें कि विवादित जमीन पर एक हिंदू मंदिर था तो क्या संविधान के अंतर्गत हिंदुओं को उनका अधिकार मिलेगा। 1855 से पहले ना तो कोई ओरल या डॉक्यूमेंट्री सबूत था कि विवादित ढांचा एक मस्जिद थी। अंग्रेजों ने मुसलमानों से विवादित ढांचे में नमाज अदा करने को कहा था। संविधान बनने के बाद 1949 में हिंदुओं को विवादित जमीन पर पूजा अर्चना करने का अधिकार वापस मिला था। उन्होंने कहा कि आईने अकबरी में भी लिखा है कि हिंदू वहां पर पूजा और परिक्रमा करते थे और मस्जिद पर मुसलमानों का कब्जा नहीं था। उन्होंने कहा कि मामले का फैसला हिंदू कानून के हिसाब से होना चाहिए क्योंकि मस्जिद बनने से पहले वहां पर मंदिर था और हमेशा मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर हमेशा ही मंदिर रहता है। शिया वक्फ बोर्ड के वकील ने अपनी दलील में कहा कि फरवरी 1944 की अधिसूचना के आधार पर सुन्नी इस जमीन पर अपने अधिकार का दावा कर रहे हैं जबकि इस जगह पर उनका कब्जा नहीं था और वे सिर्फ नमाज पढ़ने जाते थे। मुतवली का कब्जा था लेकिन उसने कभी एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं किया। शिया वक्फ बोर्ड भी एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर रहा है। हिंदू पक्ष का भी विरोध इन्होंने नहीं किया ऐसा कहना है। सुन्नियों के दावे का कोई आधार नहीं है, शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से ये बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि हर मस्जिद वक्फ संपत्ति है लेकिन हर वक्फ संपत्ति मस्जिद हो ये जरूरी नहीं। मामले में सुनवाई अब सोमवार को होगी। तो आपको बता दें कि 16वें दिन आज जो सुनवाई हुई है और इसमें कई अहम चीज़ें निकल के सामने आई है। जिस तरह से ये पूरा मामला चला हुआ आ रहा है, काफ़ी लंबे वक्त से अयोध्या का जो मामला है वो लटका हुआ है और इससे पहले कई मर्तबा मध्यस्थता की कोशिश भी की गई लेकिन तमाम जो कोशिशें थी उसका कुछ नतीजा निकल के सामने नहीं आया और यही वजह रही कि अब सुप्रीम कोर्ट रोज़ाना सुनवाई करने के लिए तैयार हुआ। ये विवाद की शुरुआत दरअसल 1853 में हुई थी इस जगह और इसके आसपास पहली बार यहाँ दंगे हुए थे। 1859 में भी यहाँ पर जो हालात थे वो कुछ इसी तरह से थे। 1885 में महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के उप जज के सामने किया चुका दायर कर मंदिर बनाने की इजाजत मांगी थी लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली।
अयोध्या मामले को लेकर लगातार सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, 16वें दिन भी सुनवाई हुई और सुनवाई में कई चीजें निकलकर सामने आई है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ एनपी सिंह जी हैं जो कि बीजेपी के नेता है, बहुत स्वागत है आपका सिंह साहब। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरह से 16 दिन तक अभी तक जो अयोध्या मामला है उस पर सुनवाई लगातार जारी है, अभी तक क्या कुछ चीजें निकल के सामने आई है और किस ओर ये पूरा केस जाता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, सारी दुनिया जानती है कि भगवान राम ने वहां पर जन्म लिया था, भगवान राम की अयोध्या है। वहां पर जिस वक्त भगवान राम का जन्म हुआ, जिस वक्त से देश दुनिया जानती है, तो उसके बाद एकदम अचानक आकर 14वीं सदी में एक पैदा हो गए कि वहां पर बाबरी मस्जिद बनाकर कर दी। पहले से अयोध्या मंदिर था, अयोध्या मंदिर के ऊपर ही वहां पर उन्होंने तोड़फोड़ करके, वहां पर एंक्रोचमेंट करके जबरदस्ती अतिक्रमण किया उन्होंने और वहां नमाज पढ़वानी शुरू की। ये औरंगजेब के टाइम की बात है, बाबर और औरंगजेब के टाइम में ये काम किया गया, जबकि वहां पर सारी दुनिया को मालूम है कि भगवान राम कहां पर थे। सारी रामायण सबने पढ़ी है, सारा देश जानता है, लेकिन फिर भी लोग उस पर दावा करते हैं, गलत दावा कर रहे हैं कि वहां पर मंदिर थी, मस्जिद थी। मस्जिद नाम की कभी कोई चीज वहां पर थी नहीं। जिस वक्त भगवान राम का जन्म हुआ था, जिस वक्त अयोध्या थी, वहां पर मुसलमान नाम की चीज ही नहीं थी, कोई मुसलमान वहां पर नहीं था। मुसलमानों ने बाद में आकर कब्जा किया, कब्जा करके आज दावा करते हैं कि वहां बाबरी मस्जिद है। कभी बाबरी मस्जिद नाम की कोई चीज नहीं थी, आज कुछ भी कर लें। इसीलिए हम कहते हैं कि मंदिर वहीं बनेगा और मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि मंदिर ही था, मस्जिद कभी थी ही नहीं। ये अतिक्रमण है। एक औरंगजेब के जमाने में उस वक्त वहां पर बाबर ने आकर वहां पर तहलका मचाया, लोगों का उन्होंने धर्मांतरण करवाया, लोगों के साथ जबरदस्ती की, वहां पर कब्जे किए गए और कब्जा करके आप कह दें कि यहाँ पर मस्जिद थी, तो सिंह साहब तो चलिए जांच का विषय है, ये तो जांच का विषय है कि किसने किस पे कब्जा किया है, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड भी तो यही कहता है कि ये तो यहाँ पे तो बाबरी मस्जिद थी, उसको गिराया गया है। कहाँ सुन्नी बोर्ड था वहाँ पर? बोर्ड सुन्नी बोर्ड कोई था ही नहीं, ये सब अब पैदा हुए हैं। जब भगवान राम के जन्म के बाद आप वहां पर कब्जा करके बैठ रहे हैं, तो दुनिया भर के बोर्ड पैदा हो गए। वहां कहां वक्फ बोर्ड था उस वक्त? सुन्नी बोर्ड था कहां? जब भगवान राम का जन्म था, कभी आप देखिए रामायण में कभी जिक्र आया है क्या कि वह सुन्नी बोर्ड था या मस्जिद थी या मुसलमान था? कोई नाम कभी आया उसके अंदर? कभी भी नहीं आया किसी इतिहास में। तो ये सब आज की देन है। आज लोगों ने जबरदस्ती एंक्रोचमेंट करके वहां पर कब्जा करके बैठ के करने की कोशिश की है, जिसको बिल्कुल हटाया जाना चाहिए और वहां मंदिर ही बनेगा। चलिए, बिपिन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। बिपिन जी स्वागत है आपका, आप अभी अभी चर्चा में जुड़े हैं हमारे साथ। बिपिन जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से अब अयोध्या मामले को अगर देखा जाए तो लगातार ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है, 16वें दिन भी सुनवाई इस पर हुई है, और ऐसे में इस 16वें दिन के बाद किस तरह से इसे देखा जाए, क्या ये कहा जाए कि जल्द ही नतीजे का इंतजार किया जा सकता है? देखिए, बात निश्चित ये बात है कि आप सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मामले का संज्ञान लिया है और सारे तथ्य, सारे दस्तावेज उनको सौंपे जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए सबसे गौरतलब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ठान लिया है कि अब इस मामले को सुलझा दिया जाएगा, और इसीलिए उन्होंने जो है डेली हियरिंग की बात करी थी। जिस तरह से पहले आपने देखा कि पहले 3 दिन की बात हुई, फिर उन्होंने कोर्ट ने बोला कि हम इसको 5 दिन करेंगे, तो उसी से आप समझ सकते हैं कि क्या मंशा रही है और क्या उनकी जो है, जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ को समझा है, इस मामले के जो, जिस तरह से संवेदनशील मामला है, और इसमें देखिए आप करोड़ों हिंदू और मुसलमानों की भावनाओं का सवाल है, तो कोर्ट ये भली भांति जानता है। हमारी सर्वोच्च न्यायालय जो सर्वोपरि है, जिसका फैसला सर्वोपरि होगा, वो भली भांति जानते हैं कि मामला कितना संवेदनशील है और कितने सालों से पेंडिंग है। देखिए, क्योंकि आप ये वो भली भांति समझ चुके हैं कि ये मामला जितना उलझा रहेगा उतना ही जो है इससे देश की छवि खराब होगी, क्योंकि आप ये सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि संदेश जो जाता है बाकी के देशों में और एक ग्लोबल लेवल पर, पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो जाता है कि यहाँ पर ये जो है आप मंदिर मस्जिद का मुद्दा ही इनका जो है सुलझ नहीं पा रहा, तो बाकी मुद्दे कैसे सुलझाएंगे, आपस के इनके जो जितने भी डिफरेंसेस हैं उसको ये आज तक नहीं सुलझा पाए हैं, और उसके जो पड़ोसी मुल्क खासकर पाकिस्तान, और आप देखते हैं पाकिस्तान के साथ चीन भी है, तो वो ऐसे मुद्दों का हमेशा जो है फायदा उठाते आए हैं। तो ये देश हित की बात है, और यहाँ पर जितने भी जो राजनेता हैं और कुछ हमारे जितनी पार्टियां हैं, तो वो हमेशा अपनी सियासी रोटियां सेकती आई हैं, तो अगर
वो भी ठान लें इस बात को कि हम जो भी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आएगा उसमें किसी तरह की राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि यही आपने दोनों पार्टियों ने पहले ये एक तरह से अंडरटेकिंग दिया है, एक तरह से माना है कि हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोपरि मानेंगे, सर माथे लेंगे और उसी का आदर करेंगे। तो जबकि आपने देखे हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जिस तरह से ऑब्जेक्शन आया जब उन्होंने कोर्ट ने बात करी कि हम जो है 3 दिन की बजाय 5 दिन करेंगे, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। उस तरह से आप मामले की उनको कोर्ट को भी सब चीजों का संज्ञान लेना है, गहराई तक जाना है, और कोर्ट का ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने फैसला तुरंत सुना देना है। वो सारी बातों को, तथ्य को, दस्तावेजों को लेंगे, और सबसे जरूरी बात यह है कि अब कोई ऐसा नया डॉक्यूमेंट सामने नहीं आ सकता कि आप जिसमें समझें कि उसमें जमीन आसमान कुछ, उसमें कोई ऐसा कुछ फेरबदल हो जाएगा कि वो, क्योंकि कोर्ट भली भांति जाता है जितने डॉक्यूमेंट्स देने थे सब वो है। अब तो ये सुनवाई चल रही है, अपनी अपनी दलीलें पेश करी जा रही हैं कि क्या इसमें सच है, पहले वहां क्या था, और क्या पहले मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, वो सारी बातों पे चल रहा है। और जब अपना मुस्लिम पक्ष का सामने उनका जो जिस तरह की दलीलें दी जाएंगी, तो वो सारी चीजें जब कोर्ट को दे दी जाएंगी, उसके बाद कोर्ट अपना एक फाइनल जो है अंतिम निर्णय लेगा। बिल्कुल, दलीलें दी जा रही है सिंह साहब, क्योंकि दलीलों की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी दलीलें दी गई थी, वहां पर भी तमाम दलीलें पेश की गई थी, तीनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें पेश की गई थी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी खड़ा हो रहा है कि वो जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था, अगर वही फैसला सुप्रीम कोर्ट भी देता है, क्या वो मंजूर होगा? सिंह साहब जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट तथ्यों के आधार पर फैसला देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से बात रखी गई है, सारी दुनिया, मैंने पहले भी कहा था जी जी जी, ये देखा जा रहा है कि वहां पर अभी जब खुदाई की गई है तब भी वहां पर मंदिर की मूर्तियां निकली हैं। सर, खुदाई अभी थोड़ी की गई है, खुदाई तो पहले हुई थी जब ये कहा गया था कि आप खुदाई करिए, पुरातत्व विभाग ने खुदाई की थी, उसमें मंदिर के अवशेष पाए गए थे। ठीक है, उस बात मंदिर को अवशेष है, आप पहले ही बता दीजिए, क्या कभी जब अयोध्या का वहां पर भगवान राम का जन्म हुआ था, रामायण वहां पर लिखी गई थी, सारी रामायण दुनिया पढ़ती है, रामलीलाएं आज भी की जाती हैं, कभी क्या रामायण में किसी मुसलमान का जिक्र आया है? क्या रामायण में कभी बाबरी मस्जिद का जिक्र आया है? क्या रामायण में कभी वहां पर किसी भी मुस्लिम का कोई ऐसा जिक्र आया हो कि वहां नमाज पढ़ी जाती हो? वहां कभी नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। जिस वक्त औरंगजेब ने हिंदुस्तान में आकर कब्जा किया था, लोगों का धर्मांतरण किया था, लोगों को त्राही त्राही किया था, तब उन्होंने वहां पर एक नमाज पढ़ने की जगह बना दी, एक मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया, जो कि सारी दुनिया जब यह जानती है कि वहां था ही नहीं, किसी ने जबरदस्ती आकर किसी के घर पर कब्जा कर लिया, तो क्या मतलब है कि उनको वहां पर जगह दी जाए? बिल्कुल वहां पर किसी शिया बोर्ड का, सुन्नी बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है। ये एक टांग अड़ाने के लिए कहते हैं कि मैं आपके घर पर आके अपना झंडा लगा दूंगा तो कुछ ना कुछ तो मुझे मिल ही जाएगा, ये सोचकर वहां पर एक कब्जा कर लिया, और उस कब्जे को लेकर सुन्नी बोर्ड ने एक दायर कर दी कि हमें कुछ मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। सुन्नी बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है, वहां पर भगवान राम का मंदिर था, भगवान राम का मंदिर है, और भगवान राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनेगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि वहां पर मस्जिद ना कभी थी, ना है, ना होगी। ठीक है, फजील अहमद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, अभी अभी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। फजील जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, शिया वक्फ बोर्ड की भी आज दलीलें कोर्ट में पेश की गई है, उनकी दलील ये रही कि वो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो सुन्नियों की तरफ से दावा किया जा रहा है उसका कोई आधार नहीं है। हाँ, वहां पर नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन वहां पर मस्जिद नहीं थी। देखिए, ये तो नया जी, सभी लोग अपनी अपनी बात करेंगे ही, और मंदिर का पक्ष मंदिर की बात करेगा, मस्जिद का पक्ष मस्जिद की बात करेगा, और 1500 शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से सर ये कहा गया। शिया वक्फ बोर्ड तो उसमें पक्षकार है ही नहीं, उस पर तो कोई बात नहीं, नहीं तो शिया वक्फ बोर्ड का भी आज जब वो पक्षकार ही नहीं है तो उनका कहना ना, नहीं, शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग चीज है। जब शिया वक्फ बोर्ड का उससे कोई लेना देना ही नहीं है तो क्या कहता है नहीं कहता, ना तो कोर्ट सुनेगा, ना आज तक वो कभी पिक्चर क्यों में नहीं सुनेगा। कोर्ट में तो सुना ही गया है, वही मैं कह रही हूँ, पक्षकार भले ही ना हो लेकिन सुना तो गया है। ऐसे तो सुना तो गया है सर, उसी की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप उसको तवज्जो नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, लेकिन कोर्ट तो दे रहा है ना तवज्जो। 14 लोग उसमें पक्षकार थे, सबको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, मात्र 3 लोग बच गए। तो अब जो लोग हट गए उनकी बात छोड़िए, और अभी भी जो आपके पक्ष में नहीं है उसकी बात छोड़ दीजिए। हमारे पक्ष की बात नहीं करिए, हमारा क्या पक्ष है? हमारा पक्ष आप किस पक्ष में है, क्या बनना चाहिए? हम जो है भारत का वो भी
जो पक्ष कर रख रहे हैं, क्योंकि वो भाजपा से जुड़े हुए हैं तो उनका आइडियोलॉजी पूरा मंदिर पे है, तो वो अपनी राजनीति की बात कर सकते हैं। हम तो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, तो हम तो जो भी बात करेंगे वो अब तो कोर्ट में है मामला। ना तो उन्होंने मंदिर तोड़ते देखा, ना हमने मस्जिद बनाते देखा, वो तो ना तो तब इतिहास नहीं था। अब तुलसीदास जी सुन लीजिए, बाबर के बाद तीन पीढ़ी के बाद, अकबर बाबर के तीन पीढ़ी के बाद आए तुलसीदास जी, उनके जमाने में ये लिख दिया, क्या लिखा, रामायण। रामायण में ये कहा गया कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ और 17 मंदिर अभी अयोध्या में है भगवान राम का, जिसके महंत लोग यही कहते हैं कि भगवान राम इसी मंदिर में पैदा हुए। अब 18वां की बात ये करते हैं तो अब अयोध्या में है, ये कहीं नहीं तुलसीदास ने कहा कि 2.77 में ही पैदा हुए, मस्जिद की जगह पे पैदा हुए। पर्टिकुलर खुदाई में जहां तक बात है, वो पूरा एरिया आप खुदाई क्यों बंद हो गई, खुदाई इसलिए बंद हो गई कि बुद्ध अवशेष मिलने लगे, वो बौद्ध विहार है। कुबेर टीला की खुदाई करिए, अभी सच सामने आ जाएगा। खुदाई इसीलिए बंद करा दी गई क्योंकि उस पे एक तीसरा बौद्ध विहार का मामला आ रहा था, और जो ये बता रहे हैं कि खंभा मिला, ये मिला, वो बौद्ध उस पर मूर्ति बना हुआ है, भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। तो ये सब चीजें तो उसमें जितना आप खुदाई करेंगे, जितना अंदर जाएंगे, बावर का क्या है वहां पर, बाबर का क्या है ये बता दीजिए पहले। आप ही बता रहे, हम थोड़े कुछ बता रहे हैं। बाबर का क्या है वहाँ पर, मतलब जहाँ पर बाबर की नमाज पढ़ने के देश का पढ़ने तो उनकी बन जाएगी। वो जमीन की कमी थी क्या उस टाइम, यहाँ इंच में जमीन अब बिक रही है, तब जमीन की कमी थी। वो लोग तो बड़ी बड़ी तिरुपति बालाजी का, दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर को उन लोगों ने बनवाया, वो क्यों तोड़ने जाएंगे किसी का मंदिर। वो तो रिस्पेक्ट करते थे सभी धर्मों का, इस्लाम में कहा जाता है कि सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करो, सभी का रिस्पेक्ट करो। बाबर को क्या गरज पड़ी है, जगह की कमी थी क्या कि वो मंदिर तोड़ेगा। फिर कैसे आ गई, अरे कैसे आप लोग, संघ के लोगों ने इतिहास बना लेते, संघ के लोग जो है, अब वही बात होती है बात, जब आप तर्क को समझिए ना, जबरदस्ती करने से तो आप जाइए बना लीजिए, आपको कौन रोक रहा है। जैसे आप जाके तोड़ दिए, जैसे आपने जाके तोड़ दिया, अरे सर कहाँ आप मान रहे हैं, हाई कोर्ट के स्टे सुन लीजिए, हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद आपने तोड़ दिया। आपने जब तोड़ दिया, आपने माना नहीं कि हम कानून को नहीं मानेंगे, वो तो जब हाईकोर्ट का थोड़ा दबाव बना, आप लोग सजा पाने लगे, जेल जाने लगे, तब थोड़ा माने, नहीं तो कहाँ मान रहे थे। जैसे आपने तोड़ दिया वैसे जाके बना लीजिए, हम नहीं रोकने जाएंगे आपको, हम बिल्कुल नहीं रोकने जाएंगे। हम तो बताना चाहते हैं कि आप संविधान को नहीं मानना चाहते, पहली बात, हम संविधान को मानना चाहते हैं, पहली बात, आप संविधान को खत्म करके, आप कोर्ट को खत्म करके आप जाइए बना लीजिए, कर लीजिए जबरदस्ती, हम नहीं रोकने जाएंगे। उस मस्जिद में नमाज पढ़ना हराम है जहाँ पे हमारा स्वामित्व का अधिकार नहीं होता है, ऐसी जगह पे हम नमाज ही नहीं पढ़ेंगे। आप तो सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, कौन सा स्वामित्व आपका होता है वहाँ पर, जब स्वामित्व का अधिकार दे देगा तब हमारी नमाज उसमें जायज होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट हमारे खिलाफ आदेश देती है तो हम कतई उसमें सजदा नहीं करेंगे। हमारा मजहब कहता है, सुन लेते हैं, देखिए, जब हमारा मजहब कह रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमको स्वामित्व का अधिकार दे दिया कि नहीं भाई ये मुस्लिम पक्ष का है या सुन्नी वक्फ बोर्ड का है, तब हम उसमें नमाज पढ़ सकते हैं, तभी मस्जिद बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। ठीक है, ऐसा है कि फजील भाई मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, इन्होंने एक बात बोली, इन्होंने बोला कि भाजपा के बारे में बोला कि एक, मैं इनको सिर्फ फैक्ट्स करेक्ट करूंगा, प्रवक्ता तो मेरे बगल में बैठे हैं, आप सब प्रवक्ता हैं, कोई वो आप किसके प्रवक्ता हैं, तो फिर वो आप देख लीजिए ना, आप किसके प्रवक्ता है वो अलग बात है, उस पर चर्चा बाद में कर लेंगे, चर्चा के बाद, ठीक है ना, वो पर्सनल नहीं हुई है। आप देखिए, ऐसा है, फैक्ट्स बताना भी हमारा फर्ज है ना, आप जहां पर गाड़ी आपकी जाएगी पटरी से बाहर, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपने बात करी, आपने बोला, सिर्फ मैं उसकी बात कर रहा हूं, आप मेरी बात समझ लीजिए, आपने बोला कि भाजपा का एजेंडा रहा है। सर ऐसा है, अगर भाजपा का एजेंडा रहा होता तो वो हिंदुत्व को प्रमोट करते, जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया तो वो हिंदुत्व करते, सारा हिंदुत्व करते, वो बात नहीं है, उन्होंने जो मुद्दे उठाए इसके विपरीत उठाए। आप संविधान की बात कर रहे हैं, ये तो ये न्यायिक प्रक्रिया है, वो तो न्याय, अरे सर सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में आप फिर भी फजील जी सुन लीजिए, न्याय प्रक्रिया जो है उसका पालन होना चाहिए, और वही कर रहे हैं, जो भी है, क्या जिसमें आप जो भी करें, वो तो अभी फैसला आना दूर है अभी, तो ये कहना कि वो उनका एजेंडा है या वो चाहते हैं, कोई नहीं चाहता, ऐसे तो हम बोले कि भाई वो मुस्लिम पक्ष वो चाहता है, वो छोड़ दीजिए, वो वाद विवाद बढ़ेगा, उसमें नहीं चलते, अभी ये सद्भावना की बात कर रहे हैं, ये अब देश ने अमन की शांति की बात करते हैं, ये यही ये वही देश है हिंदुस्तान जहां पर फूल वालों की सैर निकाली जाती है, कि जो हिंदू मुसलमान की एकता का प्रतीक है, वो क्यों भूले हम, वो दौर है, वो क्यों होता है उसमें, तो लेकिन आप ये देखिए, आप इस समय ये बोलना कि कौन सी सरकार वो प्रमोट कर रही है, वो छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल बेबुनियाद बात है, क्योंकि वो ऐसा मुद्दा है ही नहीं, वो 370 अनुच्छेद को हटाने की बात 35 है, वो बात समझ आती है। यहां पर जो मंदिर मस्जिद का जो मामला है अभी इस समय, देखिए कि आप
अभी आप वजूद का सवाल है, हम लोग जो चर्चा में जब तक वजूद की बात ना करें तो वो चर्चा अधूरी रहेगी हमारी। हम क्या वजूद पे सवाल उठा रहे हैं? मक्का मदीना की बात करेंगे क्या? हमें किसी से पूछेंगे लॉर्ड जीसस का जन्म कहां पर हुआ? बैतलहम में हुआ क्या? हम बोलेंगे जाके नहीं। और सबको पता है, प्रमाणित है, ये तो वही वाली बात होगी जो लोग आज चर्चा में, देखिए मैं सीधा चर्चा में आपको जोड़ूंगा एक बात एनआरसी की बात पे, वो बोल रहे हैं आप कैसे, यही लोग, कुछ लोग जो आज आप कुछ सेक्युलर ब्रिगेड के लोग आके बोल रहे हैं, वो क्या बात बोल रहे हैं? वो कहते हैं एनआरसी की बात क्यों डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, तो वही मापदंड आ जाते हैं मंदिर के लिए कि आपकी जमीन है, आप ये साबित करें कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, वो आप नागरिक और एक भगवान को आप एक बराबर ओहदे में लेके जा रहे हैं। देखिए कितनी शर्म की बात है, आप ये बात बोल रहे हैं कि वो नागरिक, उन नागरिक, क्योंकि कल वो सूची जारी होने वाली है, 41 लाख लोगों की जो है फैसला होगा उन पर कि कौन असली नागरिक है और कौन नई नागरिक है एनआरसी के तहत। तो इसी तरह से आप देखें कि आप जब ये बात वजूद पे उठा रहे हैं, बचपन से हम, जिस तरह एनपी सिंह साहब ने बोला अभी कि बचपन से हम रामलीला देखते आए हैं, रामायण हर एक सबने देखा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों सबने देखा, रविवार आता था हम लोग सब अपने टीवी सेट उसमें जुड़ जाते थे, तो उसी तरह से कोई इसमें तो सवाल उठा नहीं सकता। आप ये सडनली बोलने लग जाए कि भारत से लेकर लंका का जो ब्रिज है, जो नासा ने भी प्रमाणित बोला है कि कुछ दिखता है कि एक राम सेतु करके ब्रिज है, आप एकाएक सब पे बोले सवाले निशान उठाने लग जाए तो ये तो धर्म पे सवाल उठाने वाली बात है। रही बात कि वजूद का जो है संज्ञान कोर्ट जरूर लेगा, क्योंकि कोर्ट ये बात जानता है, जब ये सारे तथ्य सबकी सुनवाई होगी, एक इंसाफ होगा, अच्छा फैसला होगा, क्योंकि हमारे को अपनी जुडिशरी पे, न्यायिक प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है और हमें सर माथे लेना चाहिए, आदर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इसमें एएसआई की भूमिका बहुत अहम होने वाली है। आप ये नहीं कह सकते उसको बिल्कुल ही नकार दें, आप उसको बोले नहीं इसको सरे से खारिज करते हैं, ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं, आपके पक्ष में ना हो, ये दोनों पक्षों के लिए लागू होता है कि जहां एएसआई कुछ ऐसी चीज प्रमाणित कुछ सामने करे तो आप बोले नहीं ये तो हमारे को सूट नहीं करता, हम इसके बाद जाएंगे। लेकिन एक बात मैं इसमें आखिरी में ये जरूर जोड़ूंगा कि फैसला जिसके भी हक में आए, देखिए कि वो हमेशा फिर उसमें आगे सोचेंगे कुछ, जबकि एक तरह से तो ये इन्होंने खुद कबूला है कि हम सर्वोच्च न्यायालय को फैसले को सर्वोपरि मानेंगे और उसको अंतिम फैसला मानेंगे, उसके बाद तो मामला खत्म हो जाना चाहिए, यही आशा करनी चाहिए, आशावादी नहीं होंगे तो कैसे मामला सुलझेगा। ठीक है फजील जी, माना तो ये भी जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस वक्त पूरी अयोध्या तबाह हो गई थी और उस वक्त, लेकिन अयोध्या का जो मंदिर था वो जस का तस था, लेकिन बाबर की सेनापति मीर बकी ने 1528 को उस मंदिर को हटाकर वहां पर मस्जिद बनवाई थी। अगर आप कहें कि मस्जिद को हटा के मंदिर बनवा दिया गया तो इसके पीछे भी तो तर्क है ना सर, हालांकि ये जांच का विषय है और इस पूरे मामले की जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है, लेकिन अगर आप तर्क देंगे तो वो कुतर्क नहीं होना चाहिए ना। नहीं, नेहा जी एक बात जानिए, ये हमारा आपका सवाल नहीं है, ये सवाल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है और क्या जवाब देंगे ये तो आप निर्मोही अखाड़ा और न्यास के लोग जाने, ऐसी बात नहीं है, ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। देखिए आप समझिए, टाइटल सूट्स का मतलब ये होता है कि शेर शाह सूरी के जमाने में जरीब का आविष्कार हुआ और भाई साहब ने कहा एएसआई की बात, ये दो चीज को हम कंपेयर करना चाहते हैं। जब रेवेन्यू रिकॉर्ड बन रहा था उस समय जमीन का स्वामित्व किसके अधिकार में था और वो किस पीढ़ी से चला रहा है, जिसको टाइटल चेन बोलते हैं। टाइटल चेन में वहां से हम शुरू करते हैं कि साहब मेरे दादा परदादा लकड़दादा के जमाने से हमारे पिता को मिली, नहीं तो हमने परचेज किया, नहीं तो हमने पट्टा लिया, यही तीन स्रोत होते हैं स्वामित्व के अधिकार को साबित करना। इन तीनों स्रोत में यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो स्वामित्व का अधिकार आपका खत्म होता है। अब बात आ जाती है आस्था पर कि साहब नहीं कोई कागज नहीं है फिर भी मेरी आस्था है तो आप इसको दे दीजिए, यही टकराव है। तमाम देश में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के तमाम मुकदमे, लाखों मुकदमे पेंडिंग हैं, 30-30 साल, 40-40 साल, 50-50 साल मुकदमा लड़ रहे, ये बड़ा पेचीदा मामला है, टाइटल सूट से मामला है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि भाई जो सवाल आप पूछ रहे हैं वही सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछ रहे हैं और पूछना पड़ता है, आपके कह देने से हम नहीं मान जाते हैं कि हमारे इस घर पे फला आदमी ने कब्जा किया था 100 साल पहले या 200 साल पहले तो अभी हमको दे दीजिए, ये कोई कोर्ट नहीं मानती है। देखिए ये मामला जब टकराव में कैसे हुआ, राजनीति का बहुत बड़ा असर है इस पर, चाहे हम कांग्रेस को माने, मुलायम सिंह को माने या भाजपा के लोग करें या कर, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। आज भी ये इशू बना हुआ है राजनीति की वजह से, भारतीय जनता पार्टी कभी इसको छोड़ने को तैयार नहीं होती, हम तो कह रहे हैं कि आप छोड़ दीजिए, वो लोग अपना तय कर लेंगे, तो और राजनीतिक पार्टी छोड़ती है सर, हम भगवान राम के, हम तो देखिए
जब राजनीतिक सभी राजनीतिक दल मैं सभी राजनीतिक दल से कह रहा हूँ, मैं सुन लीजिए, मैंने ऑब्जेक्शन किया, फिर घूम फिर के वही बात कर दी इन्होंने, भाजपा की बात कर दी। अरे सर आप भाजपा में बुरा क्यों मान रहे हैं, कमाल कर रहे हैं सर, आप कोई पार्टी करें तो भारत का संविधान क्या कहता है, संविधान तो बहुत कुछ कहता है, नहीं भारत का संविधान कहता है अगर धर्म और जाति के, अगर उमर अब्दुल्ला सुन लीजिए सर, मैं भी प्रधानमंत्री फजील जी बोलने नहीं दे रहे, सिर्फ भाजपा ही इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है, ठीक है एक सेकंड, या फिर और तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, मुलायम सिंह यादव के सपा की बात की जाए या फिर राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए, जरा उन पे भी ध्यान दीजिए, आपने तो बिंदु लगा दिया है, हजारों लोगों को गोली मरवा दी थी, भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति ही इस मंदिर से हुई है, बाकी पार्टियों का वजूद कहाँ से हुआ है, वोट बैंक की राजनीति से, जातिवाद से हुआ है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, भाजपा की थी, लोगों को लड़ाओ आपस में, सर वही करते हैं ना ये, वही करते हैं, नहीं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आप तो उस पर आपने भाजपा की बात करी, मैं दूसरी पार्टियों में ला रहा हूँ, कांग्रेस की जाति आपस में वोट बैंक की अपीजमेंट पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, सबको कह रहा हूँ कि सभी राजनीतिक दल नवीन जी बात करने जी, जी फजील जी मैं अभी कांग्रेस और सबका नाम लिया, लेकिन आप भाजपा ही सुने क्योंकि आपने चश्मा ही उसी का लगा रखा, नहीं लगा रखा आपने, विराम लगा रहे, नहीं 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 मैं कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं भी नहीं बोलूंगा, कोई नहीं बोलेगा, बोलने दीजिए, जब सारे दल ये बार बार अपनी मैनिफेस्टो में उसको लाते हैं, चुनाव के मैनिफेस्टो में कोई धर्म, हम शपथ किसकी खाते हैं, कल प्रधानमंत्री जी शपथ में क्या खाए कि धर्म जाति मजहब से ऊपर उठ के भारत के संविधान की रक्षा करूंगा, यही है ना, तो जब भारत के संविधान की रक्षा करेंगे तो आप मंदिर मस्जिद में क्यों जा रहे हैं, जब हम कह रहे हैं भारत के संविधान की रक्षा करने का मतलब धर्म मजहब से जाति से ऊपर उठ के, धर्म मजहब जाति से ऊपर उठ के मैं भारत के संविधान की रक्षा करेंगे, कोर्ट जो है ये मामला जो है जिस तरह से चल रहा है कोर्ट में, तो ये लैंड टाइटल पे होगा कि ये जमीन किसकी है वो प्रमाणित करनी है, लेकिन साथ में ये ना हम भूलें कि इसमें आस्था का भी फैक्टर है, जबकि आस्था के बल पे नहीं चलने वाला, कि आस्था है कि यहाँ पर उनका ज्यादा उनकी ज्यादा लोग हैं, ऐसा करके नहीं होने वाला, कोर्ट अपने तरीके से अपने जो है इंटेलेक्चुअल लेवल से वो इस पे जो है फैसला सुनाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि देख गौरतलब बात यह है कि असली पूजा कौन करना चाहता है, इबादत कौन करना चाहता है, कुछ वर्ग ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं मामला हमेशा उलझा रहे, उलझा रहेगा तो उनकी राजनीति चलेगी, उनकी सियासी रोटियां सेकती रहेंगी, लेकिन आप ये देखें कि इसमें जो करोड़ों लोग जो असली भगत हैं, असली जो इबादत करना चाहते हैं वो पिस रहे हैं इसमें, क्योंकि वो देखना चाहते हैं, देखिए जो हिंदू धर्म से जुड़े हैं वो चाहते हैं कि भव्य राम मंदिर बने, उसी तरह से जो जो इबादत करते हैं वो चाहेंगे कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद बने, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन आप ये ना भूलें कि इस समय जो है जो ये न्यायिक प्रक्रिया चल रही है इसमें दखलअंदाजी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हम एक को बोले तो मामला क्यों, ये मामला क्यों नहीं सुलझा इतने सालों से, हम एक ही, इधर अभी फाजिल भाई ने बात करी कि भाजपा का वजूद कैसे बना, दो इनके दो सदस्य थे और वो वहां से कहां पहुंच गए, तो वो देखिए उसमें इसका इनका तो इनके कहने से तो ये संदेश मिल रहा है, इससे ये मैसेज मिलता है कि भाई भाजपा के खुद का सिर्फ इन्होंने राम मंदिर के उस पे इन्होंने इतनी सीटें ले ली, क्या जनता इसी तरह से आपके बातों में आ गई, लेकिन विपिन जी इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भाजपा ने इस मुद्दे को उठाया भी और भुनाया भी, क्या आप इस बात को मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने क्या काम किया बताइए ना, अगर आपकी नियत और नीति साफ है तो अध्यादेश लेके आइए बनवाइए मंदिर, कौन मना कर रहा है, नहीं जब तक कोर्ट में मैटर है, अभी कोर्ट में मैटर है, कौन मना कर रहा है, आप कहते हैं मंदिर बने, आप एक बात मुझे बताइए, अगर एक बार के लिए आप मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में नहीं आता है, कैसे मान लें, मैं कह रही हूँ एक बार के लिए आप मान लीजिए, अगर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, हम करेंगे वो बात की चीज है, आने तो दीजिए फैसला, फैसला आने तो दीजिए, ठीक है ना सर, देखिए मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के क्या मायने हैं, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के क्या मायने हैं मुझे बताइए, सारी दुनिया जब ये जानती है कि भगवान राम का मंदिर है तो सिया बोर्ड जब ये कहता है कि हमारी मस्जिद वहाँ है, सिया बोर्ड ने वहाँ पर कब जमीन खरीदी थी जरा ये बता दे, कब सिया बोर्ड ने वहाँ जमीन पर पट्टा लिया था, कोई पेपर क्या सिया बोर्ड के पास है जो वो ये दिखाए कि इस जमीन को हमने खरीदा है या पट्टा लिया है या ऐसी कोई चीज की है, उनके पास कुछ भी नहीं है, ये तो हिंदू पक्ष से भी पूछा गया था, हिंदू पक्ष
सर सुन पुरानी है, पहले से चली आ रही है। पूछा गया कि लाइए आप लेके आइए, अगर आपके पास अगर आप मानते हैं कि आप इस जमीन के मालिक है तो मालिकाना आप दस्तावेज दिखाइए, तब आप कहते हैं चोरी हो जाते हैं। 5000 साल से देश से मंदिर बना हुआ है तो मंदिर के पेपर आज 5000 साल के बाद कहाँ से आप ढूंढ के लाएंगे? तो अगर आपके उस वक्त की रजिस्ट्री थोड़ी ना लाएंगे। बात कर रहे हैं, अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आप किसी और से कैसे? रामायण को उठा कर देखिए, सारा दस्तावेज आपके सामने है। आप रामायण को उठाइए, पूरी दुनिया रामायण को पढ़ती है, एक एक शब्द उसके अंदर लिखा हुआ है, कब रामचंद्र जी जन्म लिए, कब वहाँ पर विश्वामित्र जी के पास गए, कब जनकपुर गए, कब सीता जी से शादी हुई, सारी चीज आपके सामने रामायण के अंदर है। आप पढ़िए, आपको सारी क्या भाजपा की नियत और नीति स्पष्ट है, साफ है क्या, या सिर्फ ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है? देखिए ऐसा है कि नियत में शंका नहीं लगती, लेकिन जो उनका जो उनकी नीति है वो उसमें जरूर कमी पेशी है, क्योंकि कमी पेशी नहीं होती तो ये मामला सुलझ चुका होता, क्योंकि कारण आप ये देखें 370 मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवा दी, हजारों लोग मर गए वहां पर, सिंह साहब बोले दीजिए, 1000 लोगों को मारा था सिंह साहब, बोले दीजिए, आप ये बताइए बोले दीजिए, जब लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है अयोध्या पर तो क्यों नहीं करती इसमें सरकार? नेहा देखिए ऐसा है, इसका मामला ये है कि इसमें जो है जब से इन्होंने कार्यभार संभाला है 2014 से प्रधानमंत्री मोदी ने और एनडीए ने, तो आप देखिए अगर इनका तो एजेंडा वो था ही नहीं, इनका एजेंडा तो वो है ही नहीं, कम से कम प्रधानमंत्री मोदी का, मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बात नहीं करूंगा या एलके अडवाणी साहब की बात नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री मोदी का ये एजेंडा कहीं भी था नहीं कि हम राम मंदिर की, क्योंकि आप उन्होंने विकास की बात करी है हमेशा उन्होंने, अब भले ही लोग उसको अपने तरीके से समझ ले वो अलग बात है, लेकिन ये कहना कि मैं हम लोग हिंदुत्व के एजेंडा को प्रमोट करेंगे वो कहीं नहीं है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास तो ये नारा दिया है, अब इसमें एक उन्होंने और इजाफा करा है सबका विश्वास, तो ये विश्वासघात कैसे हो जाएगा कि आप एक अपने धर्म के लिए सुन लीजिए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, बात है उसी की बात कर रहा हूँ, आप ही की बात कर रहा हूँ, 1990 में सर अभी जब रथ यात्रा लाल कृष्ण अडवाणी निकालते हैं तब ये अहम मुद्दा नहीं होता, मुझे बताइए बिल्कुल मुद्दा है, एक बात बताइए उसके दुष्परिणाम क्या हुए, अब एक बात बताइए ना उसके दुष्परिणाम क्या हुए, क्या ये दोबारा रिस्क ले सकते हैं अगर ऐसे करके दंगे फसाद हो जाए, क्या हमारे हिंदुस्तान में और दंगे फसाद होने की नौबत है, कि 2002 में हुए 84 में हुए तो वो सब चीजों का उन्होंने संज्ञान लेते हुए अपनी नीति चेंज करी तो उसमें क्या हर्ज है, अगर वो समझ रहे हैं कि अपना तवज्जो उन्होंने ध्यान अपना फोकस उस पे कर दिया विकास में, उस पे भी लोगों को आपत्ति है, लोग चाहते हैं नहीं शांति क्यों बनी हुई है, अगर वो इस मामले को बैक बर्नर जिसको कहते हैं कि अपने न्यायिक प्रक्रिया पे चलता रहे और जो जिस तरह से चले ताकि मामला अपने तरीके से हो सुलझे, क्योंकि आस्था का सवाल है उसमें ये नहीं कह सकते कि क्योंकि हम लोग ज्यादा हिंदू बहुसंख्यक है तो हमारे हिसाब से चलना चाहिए, सवाल ही पैदा नहीं होता, प्रधानमंत्री अगर ऐसी बात करते होते तो उसमें आपत्ति होती लोगों को, लेकिन वो तो बात कर नहीं रहे, लोगों को उसमें भी एतराज है, जो विपक्षी दल के कुछ लोग हैं उसमें उनको एतराज है कि उसमें क्यों मौन धारण है, वो उकसाने की कोशिश करते हैं कि कुछ बोले ऐसा कि वाद विवाद खड़ा हो, तो आपने दौर देखा हिंदुस्तान में हमेशा दंगे फसादों का देखा है, अगर आज देश में माहौल अच्छा है शांति का माहौल है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए हमें, और अभी अब जब क्यों बात चल रही है, फजील जी शांति का माहौल है तो तारीफ होनी चाहिए, अब किस चीज की दिक्कत, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि संविधान के हिसाब से चला जाएगा, अब संविधान के हिसाब से तो चल रहे, न्यायपालिका पर भरोसा जताया है, इससे पहले एक समिति का गठन किया था उसका कुछ नतीजा नहीं निकल के सामने आया, अब रोज सुनवाई हो रही है, न्यायपालिका पर तो विश्वास करिएगा, सरकार पर नहीं है तो नहीं, सरकार पर भी है और न्यायपालिका पर तो न होने का कोई प्रश्न ही नहीं, अगर न्यायपालिका पर नहीं विश्वास होता तो न्यायपालिका पर तो हम लोग कोई चर्चा ही नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री पे भी पूरा भरोसा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी 5 साल की सरकार गुजर गई दूसरी सरकार में आए हैं, देखिए समस्या इस देश की कट्टरपंथी है, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो चाहे हिंदू समाज का हो, कट्टरपंथियों को ना तो मोदी अच्छे लग रहे हैं ना हम अच्छे लग रहे हैं, विपिन जी की बात से मैं बहुत सहमत हूँ, कट्टरपंथियों को पता नहीं वो क्या आइडियोलॉजी है उनकी, मैं आज तक समझ नहीं पाया वो कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, किसका हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, हम तो समझते हैं कि जब से आजादी मिली देश को तब से यहाँ पे अमीर गरीब की बात लड़ाई शुरू है, उस पर ध्यान भटका दिया लोगों ने और चले गए धर्म के मसले पर, अब वो कट्टरपंथी न तो नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं न हमारे लोग को पसंद करते हैं, वो सीधे सीधे लड़ा करके और वो अरबपति लोग हैं, वो इस पूरी व्यवस्था की सारी संपत्ति भारत की संपत्ति सारी व्यवस्था का अपने हाथ में मात्र 10-12% लोग रखे हैं, बाकी लोग उनके गुलाम की तरह जी रहे हैं,
इसलिए वो कट्टरपंथी लोग हैं। अब सरकार को ऐसे कट्टरपंथियों को जवाब देना चाहिए, उनको बाहर निकालना चाहिए ताकि उनका मंसूबा पूरा ना हो सके। अभी विपिन भाई ने कहा सही बात है, 1992 में कितना देश में दंगा हुआ, सभी लोग मरे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी मरे, कितना रुपया का नुकसान हो गया। और देखिए भाजपा और मोदी आज दो चीज हो गई है, हम भाजपा की बात करते हैं, हम मोदी जी की बात नहीं करते। मोदी जी कहीं अगर वो पहले अध्यादेश ला सकते थे, या उन्होंने कभी नहीं कहा, अगर आज तक एक एफिडेविट नहीं दिए कोर्ट के अंदर कि सरकार चाहती कि वहां मंदिर बने। अगर दे देते तब भी आप नहीं रहने नहीं, देते दे देते तो हम का चेहरा साफ हो जाता ना कि हाँ भाई वो हिंदू एजेंडा पे काम कर रहे हैं। मतलब नहीं, अगर वो दे देते, अगर वो एफिडेविट देते, नहीं नहीं हम उनकी मानसिकता को अच्छा कह रहे ना, हम कह रहे कि वो नेचुरल है, उन्होंने जो संविधान की शपथ ली उस पर अच्छर से काम कर रहे। हम खुश हैं इस बात से कि सरकार ने आज तक सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट नहीं दिया कि सरकार चाहती है कि यहाँ राम मंदिर बने। तो अगर सरकार कहती कि साहब हाँ ये राम मंदिर है, यहाँ एफिडेविट दे देते, तो हम कहते कि भाई हिंदूवादी चेहरा है, ये तो आ गए अपनी हैसियत पर। एक प्रधानमंत्री देश का जिस तरह से शपथ लिया उस तरह से काम कर रहे हैं मोदी और भाजपा, दो होगा सबका विकास और सबका विश्वास। बिल्कुल विश्वास, हम मोदी जी पे हमने कभी चर्चा, आप बताइए इतने दिन डिबेट्स में हमने मोदी जी का कभी कोई जिक्र किया है क्या? मोदी जी से मैं बहुत आज भी प्रसन्न हूँ और पूरी मुस्लिम समाज प्रसन्न है, आस्था रखता है मोदी जी के हर काम में, विश्वास करता है। आप देख लीजिए उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना होगा, सारे मुसलमानों ने अपने मस्जिदों पर बोर्ड लगा दिया कि नमाजी सड़क पर ना पढ़े और पार्क में जगह ले लें या दूसरी मस्जिद बना लें। ऐसा नहीं है, हम संविधान के साथ चलते हैं। अभी कुर्बानी के मसले पर सरकार ने एक जीओ पास किया कि आप लोग घर में कुर्बानी नहीं कर सकते, पार्क में कीजिए, सबने पार्क में किया, जो अच्छी चीज है। वो ब्लड जाता है नदी नाले में जाता है, वो जरासीम फैलते हैं, बीमारियां फैलती है, वो हम भी मानते हैं इस बात को। अब मेरे घर में खून जाएगा तो बीमारी हमको पहले लगेगी ना, तो हम तो उसके बाद, लेकिन इसके पहले किसी ने हमको नहीं बताया ये बात। अगर पहले की सरकारें हमको बताया होती तो हम तो आज बहुत कुछ आगे बढ़ गए होते। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही कहा कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, तो बीजेपी के लोगों को पहले आग लग गई, बीजेपी के लोगों को पहले आग लग गई और तब से ये लोग लगातार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी आज ये दो अलग अलग चीज है, हम इसको एक नहीं कर सकते। एक तरफ सुन लीजिए, एक तरफ प्रधानमंत्री कुछ और कह रहे और बीजेपी के लोग चौराहे पर भड़ास निकाल रहे हैं, भड़ास नहीं निकाल रहे। आपके गिरिराज सिंह है बिहार के नेता, क्या क्या बोलते हैं, सवेरा निकल जाए ना इसमें। नहीं नहीं आप ही बोल लीजिए, बच्चे ज्यादा बच्चा ना करिए। विपिन जी, विपिन जी ठीक है ठीक है, आएंगे आपके पास, फजील जी आएंगे, फजील जी आएंगे आपके पास। इन्होंने जिसे कहते हैं हिट द नेल ऑन इट्स हेड, इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली फजील भाई ने, और इन्होंने बोला कि भाई कट्टरपंथी जो है देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे किसी भी समुदाय के हों। बिल्कुल निश्चित, इसमें कोई संदेह किसी तरह का कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल यही बात है, सच कड़वा सच। लेकिन आप देखिए ये बोलना, मैं थोड़ा सा इसमें नई सहमति रखता इनके साथ, जब ये बोलते हैं कि भाजपा अलग है और वो करके, वो एक अपने अपने तरीके हैं बोलने के, उसमें ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी जो है सवाल ये पैदा होता है कि अब जिस हम दौर में गुजर रहे हैं वर्तमान में, देखिए हम ये बात कर रहे हैं कि मदरसों को हाईटेक कर दें, उसमें कुछ जिस तरह से आजम खान साहब ने अपने एतराज जताया, बोला ये वर्जित है, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, आप दखलअंदाजी ना करें, ये तो ट्रिपल तलाक वाला मामला ही नहीं है, ये तो बोला मदरसों को करें, एक हाथ में कुरान शरीफ एक हाथ में कंप्यूटर, तो कितनी अच्छी बात है, आधुनिकीकरण हो और अच्छे तरीके से एक नए समाज का, नए भारत का, नए हिंदुस्तान का जो सपना देख रहे हैं सब मिलकर कि हिंदुस्तान को एक ऐसे विश्व गुरु बनाया जाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है हम पूजा की बात करते हैं, इबादत की बात करते हैं, और जिस तरह से अभी देखा कि इन सारे जितने धर्म स्थल हैं आपने मथुरा में देखा, कृष्ण नगरी मथुरा और वाराणसी, किस तरह से घाट की सफाई हुई और किस तरह से उसको चाहते हैं कि बिल्कुल एक बढ़िया तरीके से हो, तो ऐसे सभी समुदायों के जितने भी धर्म के हैं वो ऐसे करे, सरकार पहल करे और इससे एक शांति बनेगी। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, ईदगाह की भी सफाई हुई, ईदगाह पहली बार, पहली बार हुआ सबसे। लेकिन एक बात मैं इसमें बोलना चाहूंगा, मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप उसको क्यों नहीं देते, आप उसी नहीं नहीं सरकार की धज्जियां उड़ाने की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं फजील भाई मैं उसी की बात कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए, लिए मस्जिदों को योगी सरकार ने जिस तरह से ठकवा के होली मनवाई, दो घंटा हिंदू भाइयों से कहा कि आप लोग दो घंटा पहले होली बंद कर दीजिए, यानी 12 बजे बंद कर दीजिए, 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे नमाज खत्म होगी, तब तक आप लोग नहा लीजिएगा 3 बजे। और इसी में देखिए, लेकिन एक मैं इसमें सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा कि इस तरह से हम लोग अपने तरीके से सोचें कि हम बोले कि वहां पर, क्योंकि हम लोग तो कोई नहीं होते, जब कोर्ट ने एक पहल करी, कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल का गठन करा और बोला, एक उन्होंने आशा जताई होगी
उन्होंने सोचा होगा कि तीन मेंबर ये जो किसी ना किसी तरह से हल निकालेंगे, समाधान निकालेंगे, जो नहीं हो सका विफल रहा। इसी तरह से अब कोर्ट खुद संज्ञान ले रहा है, कोर्ट अपनी डेली सुनवाई कर रहा है। लेकिन एक इसमें बात सबसे जो जरूरी है वो ये है कि इस आप ये कोई सुझाव दें, जिस तरह से सुझाव कुछ आए कि यहाँ पर न मंदिर न मस्जिद, कोई अस्पताल बन जाए, कोई स्कूल बन जाए, तो वो भी कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसमें ये एक आस्था की बात है और इस तरह करोड़ों लोगों की, क्योंकि आप देखें कि ये हिंदू समझेंगे कि हमारा पक्ष ज्यादा मजबूत है, मुस्लिम लोग समझेंगे हमारा पक्ष ज्यादा मजबूत है, तो उस तरह कोर्ट ही निर्णय लेगा। वही दलीलें रखी जा रही है, अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, तमाम जो पक्ष है वो अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, दलीलें रख रहे हैं। वाकई देखने वाली बात यही होगी कि कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है। सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई हो रही है और रोजाना जो तमाम पक्ष है वो अपनी दलीलें रख रहे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि कोर्ट का रुख किधर जाता है और क्या कुछ फैसला कोर्ट सुनाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।